तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर भाई की चोट लग रखी है। भाई बहुत भयंकर हो रही है उंगली। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो, जानता हूँ अच्छे होगे। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं डाक पत्र और कुछ वीडियो शूट करने के लिए, और वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पर जा रहा हूँ। और वीडियो में लास्ट तक के बने लीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। तो गाइस बाइक मेरी बिल्कुल रेडी है और मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और चलते भी हम डाक पत्थर के लिए। और ये हमारे बड़े भाई है जो मेरे से बड़े हैं, और ये मेरे खाला के लड़के हैं, और इनके साथ आज मैं वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छी लोकेशन है। तो चलते हैं, कैसी लोकेशन है वो तो आप वीडियो में बनी रहिए। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करो। तो गाइस ये यहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू है, और ये तुम देख रहे हो ना, तो ये ऐसी चीज़ है मतलब कि यहाँ से बिजली बनती है, और यहाँ से बिजली बन के आप लोगों के घर में सप्लाई होती है, तो वो यहीं से शुरू होती है। और यहाँ पर देखो पानी से बिजली बन रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इस आज की वीडियो में। और यहाँ पर आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ पर ये जो इधर प्लेटें लगी हुई है ये बिल्कुल प्राइवेट बिजली है, मतलब कि ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। और यहाँ पर ये बिजली यहाँ पर बन रही है, और चलते आगे और भी व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस आ गए हम विकास नगर के बाज़ार में, और यहाँ पर देख सकते हो आप भीड़ कितनी ख़तरनाक लग रही है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ पर छूट मिल रही है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप है, और बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम है यहाँ पर बिकने वाले, और देख सकते हो आप इधर भी। और तो गाइस डाक पत्थर में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर की दुकान, क्योंकि भाई के हाथ में चोट लग रही है, और डॉक्टर की दुकान पे आकर पट्टी कराते सबसे पहले भाई। तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर भाई की चोट लग रखी है, भाई बहुत भयंकर हो रही है उंगली, और सोच भी रही है बहुत खतरनाक हो रही है। पहले पट्टी करा देते, फिर उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए। और देखो भाई के हाथ पे चोट लग रही है। और यहाँ पर देखो भाई पानी कैसा रखा है, भाई कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर, और वाकई यहाँ पर देखने का नज़ारा बहुत अच्छा है। और इसी लोकेशन पे मैं यहाँ पर आपको लाने वाला था, और लेकर भी आ गया हूँ, और देख सकते हो सामने पहाड़ है भाई। तो गाइस हम पार्क में बाद में जाएंगे, पहले हम इधर घूम जाएंगे इस पुल की साइड, और देख सकते हो आप यहाँ पर नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। और इधर देखो भाई नदी का मस्त, तो देखने में ये लग रहा है गाइस। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है गाइस, पुल मैंने पार कर दिया है, इस पुल पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम शुरू में इस डायरेक्ट हम जाने वाले हैं पहाड़ों के अंदर। गाइस आ गए हम पहाड़ों में भी, हम जब ऊपर नहीं जा सकते वरना हम हिमाचल में पहुंच जाएंगे। ये पहाड़ हिमाचल के दिख रहे हैं आपको, ये हिमाचल के पहाड़ है, और अगर जो उम्र और आगे जाएंगे तो हिमाचल में पहुँच जाएंगे, इसलिए हमें हिमाचल में नहीं जाना है। तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से आपको पार्क में लेकर, और पार्क के अंदर कुछ गर्ल्स होगी तो उनके साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लेंगे, वरना फिर हम अपना भी लोग शूट कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो चलते गाइस हम चलते शुरू करते हैं हम अपना नया गेटअप, और हम यहाँ पर कुछ प्रैंक करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी लड़की को सेट करेंगे। बाकी तो क्या करेगा यहाँ पे, फोटो भी करनी है मेरे को भाई, ये भी सेटिंग बाजी करेंगे और हम भी सेटिंग बाजी करेंगे। नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसकी है भाई, उस वो नहीं करेगा, उसके वाली से मारेगी, उनने उसने वीडियो देख लिया कर दियो, मारे वाली देख लेगी तो वो तो मजाक समझेगी, कोई नहीं है भाई, सही बात है। वो तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं पार्क में, हाँ है नहीं सोच रहा दिखाने कैमरे के सामने कोई है नहीं, तो कोई नहीं गाइस हम चलते हैं अंदर पार्क में। और पार्क के भाई बाहर का व्यू चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर पार्किंग है, और इस टाइप से यहाँ पर व्यू दिखता है पार्क के बाहर का, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की गाड़ी है।
और फिर हम चलते हैं गेट की तरफ। उसके बाद गाइस हम लेते हैं यहाँ से टिकट। हेलो। और यहाँ से लेगा हम तीन टिकट। यहाँ पर गाइस हमने तीन टिकट ले लिए है। और टिकट लेने के बाद हम चलते हैं अंदर की साइड। जो हमारे टिकट ये रहे, एक हमारा भाई ये रहा, दूसरा और दो पेमेंट कर रहा है, और तीसरा कैमरामैन। रंगन जी हमें तीन जने इनको वापस देने, ये वापस दिए हैं। तो पार्क के अंदर हमने मार दिए एंट्री। अब हम यहाँ पर लेते हैं थोड़े मज़े और फिर चलते हैं अंदर की साइड। और यहाँ पर देख तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर बत्तख है, और बत्तख बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये यहाँ पर पानी पी रही है और बहुत ही मस्त लग रही है, और हमें देख कर ये डर रही है और भाग रही है यहाँ से, देख सकते हो आप। तो कोई बात नहीं, तो पार्क के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें अलाउ हो गई है बच्चों के झूलने की, देख सकते हो आप। तो वहाँ पर दो लड़की बैठी झूल रही है, और इधर देखो गाइज यहाँ पर ये ट्रेन का टिकट यहाँ से मिलता है गाइज, ये यहाँ पर ये बना है, यहाँ से ट्रेन का टिकट मिलता है, और तभी यहाँ पर बच्चे झूलते हैं। और ये बीच देखो एक छोटा सा बच्चा झूल कर अभी लिख रहा है यहाँ सर। और तो गाइज थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए भी हम वीडियो बना देते हैं, और उसके लिए हमको लानी पड़ेगी चॉकलेट, और हम जा रहे हैं चॉकलेट लेने के लिए। देखते हैं यहाँ पर चॉकलेट मिल जाती है नहीं। यहाँ पर चॉकलेट मिल जाए तो भाई और भी अच्छा हो जाएगा, वरना कुछ और लेना पड़ेगा। प्रैंक तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना प्रैंक के तो हमारा काम भी नहीं चलता गाइज। थोड़ा बहुत तो प्रैंक करना पड़ता है, सुननी भी पड़ती है सबकी। अंकल चॉकलेट नहीं है तो गाइज यहाँ पर चॉकलेट नहीं है। पोपट हो गया गाइज हमारे साथ, यहाँ पर चॉकलेट नहीं है। ओ चॉकलेट के डब्बे के अंदर बंद रख रख के भाई, ये देखो कितना मस्त सीन है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिससे हम प्रैंक कर ले यार। हम चलते हैं आगे की साइड। और गाइज आगे पूछ के आते कैंटीन में, कुछ वहाँ पर ना मिले तो फिर तो भाई हमारे साथ पोपट हो जाएगा भाई। अगर चॉकलेट मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा भाई, वीडियो में मज़ा आ जाएगा। चार चांद लग जाएंगे गाइज, वो बोलते हैं ना चार चांद लग जाएंगे, तो चार चांद लग जाएगा आज हमारी वीडियो के अंदर अगर जिनको चॉकलेट मिल जाती है। वैसे कैंटीन में भी भाई बहुत ही आदमी बैठे हैं, आदमी समझ रहे हो। हाँ तो देख सकते हो आप चॉकलेट है भैया। भाई पोपट हो गया भाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं है। किस चीज़ से प्रैंक करे भाई, हो ही नहीं पाएगा यार किसी चीज़ से और प्रैंक। तो गाइस यार सस्ता ही प्रैंक करना पड़ेगा, टॉफी से करना पड़ेगा प्रैंक। यहाँ पर हम लेते हैं टॉफी, कोई नहीं हम पल्स टॉफी लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं हम बच्चों की तरफ। बच्चों के साथ करना पड़ेगा प्रैंक तो ज़्यादा स्प्रिंग रोल की, वरना भाई रहते भी लग सकते हैं भाई। टच करियो, स्माइल एक बार और, पर एक बना रखा है ये छोटा सा रेस्टोरेंट जो फुहारे के बिल्कुल बीच में है, बट इसमें पानी नहीं है तो इस वजह से थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। बाकी वैसे तो अच्छा ही है भाई, देख सकते हो आप अच्छा है। बाकी फुहारे के अंदर अगर जब पानी होता तो और भी अच्छा लगता आपको, और इसके अंदर पानी नहीं है बस इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। पर और एक वो रहा है सामने। तो गाइस इसी लोकेशन को मैं आपको दिखाने के लिए आया था, और यही वो लोकेशन है, और कुछ इस टाइप से व्यू है, और यहाँ पर इस टाइप का व्यू है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद सामने ही हमारे बिल्कुल एंटर एकदम झूला है। और गाइस उसके बाद हमारे पास एक ये टपरी आती है, फिर इसके अंदर थोड़ा शूट करने के बाद थोड़ा इस टाइप का देखने को मिलता है, और ये होता है। तो गाइस इसी पार्क के अंदर इसी टाइप की लोकेशन है, और मैं आपको और लोकेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो गाइस मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।